रात में खाना खाकर रोज की तरह सो रही थी गृह स्वामिनी, तभी अज्ञात चोरों का आगमन चार दीवारी फांदकर घर के कमरे में होता है। इसके बाद घर के चार कमरों में लगे तालों को तोड़कर जेवर समेत बर्तन कई सामग्रियों की चोरी कर लिया जाता है। यह घटना 12 सितंबर की बीते रात की बताई जा रही है। घटनास्थल बुढ़ई थाना क्षेत्र के बिलकुकराहा गांव की है। गृह स्वामिनी पिंकी देवी के घर अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। भुक्तभोगी पिंकी देवी ने बुढ़ई थाना में लिखित शिकायत कराते हुए कहा है कि उसके पति नवीन राय धनबाद में रहते हैं और वे अपने बाल बच्चों के साथ बिलकुकराहा गाँव में रहती है। रात के तकरीबन 11 बजे तक पिंकी देवी और उसकी पोतहू बातचीत कर सो गई थी। इसी बीच चोर घर का चार दीवारी फांद कर चोरी की घटना कारित किया है। पिंकी देवी ने कहा कि घर के चार कमरों में लगे तालों को तोड़कर सोना चांदी के जेवरात बर्तन नगद रुपए समेत चावल आदि की चोरी कर ली है। सुबह जब 5 बजे नींद खुली तो देखा कि कमरों का ताला टूटा हुआ है और जब घर के अंदर जाकर देखा तो सारा सामान गायब था। इधर घटना को लेकर मधुपुर SDPO विनोद रवानी समेत बुढ़े थाना प्रभारी हीरालाल तुबीद सदल बल घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन किया। पीड़ित परिवार के सदस्यों और जनप्रतिनिधियों से चोरी की घटना की जानकारी लेते हुए छानबीन में जुट गई है।